गया दोस्तों। देखना मेरा खेल। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। ये वाला, बच्चों सबको खिलौना मिलेगा। काम चोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? डोलू सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरों, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। वासियों आओ, आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ क्या कहते हो, किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? बेटा तुम लोगों को कैसा खिलौना चाहिए? सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? बच्चों कैसी लगी खिलौनों की दुनिया? जाओ जाओ ले लो अपने खिलौने। Thank you.
कितनी मजेदार है। चाचा वो क्या है? ये है टॉयलैंड का सबसे खास खिलौना। खिलौना भीम। चलो ढोलकपुर। ये सब हमारी गलती है भीम। नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं, ये सब उस खिलौने वाले ने किया है। भीम, भीम उस बुरे खिलौने वाले ने महल पर हमला कर दिया है। चलो दोस्तों। जैसा बना दो वरना। छुपी खेलें? वो तो हम रोज खेलते हैं, क्यों ना हम राजा मंत्री चोर सिपाही खेलें? पर इससे खेलते कैसे हैं चुटकी? वो तो बड़ा आसान है। भीम तुम सिपाही बन जाओ, चुटकी तुम मंत्री बनोगी, राजू और जग्गू चोर, और मैं बनूंगा राजा। पर उस्ताद आप राजा बन गए तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी, क्योंकि सबका खाना आप अकेले ही खा जाएंगे। क्या कहा तुम दोनों ने? ठीक ही तो कह रहे हैं ये दोनों। अगर किसी राज्य का राजा तुम जैसा हुआ तो वो राज्य तो चौपट हो जाएगा। हमारा राजा तो भीम ही बनेगा। जो करना है करो, भी मुझे नहीं खेलना ये बच्चों वाला खेल। हमें इस तरह कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो फिर उसे भी हमारे खेल के बीच में नहीं आना चाहिए था। लड्डू का शौक